अस्सलाम वालेकुम यासीन, मिंबर बोल रहा हूँ मैं। मालेगांव शहर में राशन दुकान के ऊपर हो रही है काला बाजारी। राशन दुकान के ऊपर जब जाते अनाज लाने तो राशन दुकान वाला है अंगूठा लगाता है। अंगूठा लगाने के बाद अब राशन कार्ड जब लेता है तो उसके ऊपर 10 नाम 15 नाम रहता है। तो अंगूठा जब लगाता है तो हुकूमत को पूरा चले आता है 10 नाम 15 नाम। तो राशन दुकान पर जब वो अनाज दे चुका रहता है तो अनाज वाला जब लेता है तो पावती मांगता है। तो पावती क्यों नहीं देते ये लोग? इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये 10 का नाम लिखा रहता है और ये देता है 5 लोग का, इसीलिए वो पावती नहीं देते। तो मेरी अपील है, गुजारिश है आवाम के लिए, राशन दुकान पे जब भी अनाज लो तो पावती मांगो आप लोग। मालेगांव शहर में कई दुकानें एक ही आदमी चला रहा है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने मेरे पास आए और मुझको ये शिकायत दी है। मुझको जब ये शिकायत दी है तो मैंने FBO ऑफिस पे गया। तो जब FBO ऑफिस पे गया, साहब से जब मुलाकात किया तो साहब ने मुझको ये जवाब दिया, आप लिखी में मुझको ला के दो। तो मैंने मेरे लेटर पेड पे लिख के FBO ऑफिस पे जब ले आके दिया तो ये 6 दुकान का मैंने नाम ले आके दिया। तो जब FBO ऑफिस को जब ये 6 दुकान का जब नाम ले आके मैं दिया तो FBO ऑफिस ने मुझको ये बोले, आपको 10 दिन के अंदर मैंने इसका जवाब आपको मैं दूंगा, मेंबर साहब आप 10 दिन के अंदर आके हमसे जवाब ले लो ना। जब मैंने 10 दिन के बाद गया तो साहब ने FBO ऑफिस ने मुझको ये जवाब दिया। ये देखो मेरे लेटर पे, उनके लेटर पे जवाब मुझको मिला। तो जब ये 6 दुकान का मुझको ये जवाब दिए तो ये 6 दुकान का नाम अलग अलग नाम का दुकान का लाइसेंस है और ये जो दुकान चला रहा है एक आदमी चला रहा है। जब एक आदमी चला रहा है उसको मुझको यहाँ से जब मालूम मिली तो मैं ये 6 दुकान की मालूम लिया तो ये बात हकीकत निकली। जब ये बात हकीकत निकली तो मैंने एक माहिती अधिकारी एक लेटर लगाया, आपको बता देता हूँ मैं। ये माहिती लगाया 6 दुकान की। जब ये माहिती जब मैंने ये लगाया FBO ऑफिस में, जब मैं ले आके लेटर दिया तो जब FBO ऑफिस ने साहब ने जब ये पेपर पढ़ा तो साहब ने मुझको बोले, आपको ये जवाब 15 से 20 दिन के अंदर आपको मैं इसका माहिती का जवाब दूंगा। तो मुझको जब 15 दिन के बाद ये जवाब मिलेगा तो मैं आगे बात आप तक के बताऊंगा मैं। और मेरा DOC और कलेक्टर से मुतालबा है, ये जो 6 दुकान जो राशन दुकान है ये अलग अलग जिसके जिसके नाम पे है, इनको अगर ये राशन की ज़रूरत नहीं है तो इनका राशन और इनका जो लाइसन है इनका रद्द कर दिया जाए और इनकी जो राशन की जो दुकान है इनका जो लाइसन है दूसरों नए लोग को लिए नए लोग को दिया जाए।